करनाल के रामनगर एरिया में स्थित दो कॉस्मेटिक दुकानों से चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। चोर अपने साथ नकदी व नोटों के हार चुरा कर ले गई। दुकान के मालिक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है, जिसके बाद वह सुबह दुकान पर आए तो देखा कि दुकान के पीछे से दीवार में छेद कर चोर दुकान के अंदर घुसे हैं। उसके बाद दो दुकानों में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि चोरों ने दुकान के अंदर घुसकर सीसीटीवी कैमरे की तारें निकाल दी और उनका मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और फिंगरप्रिंट्स लेकर आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। यहां हम आपको बता दें कि चार खंबा चौक से पुलिस चौकी की दूरी कुछ ही मिनटों की है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि दो दुकानों में चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा मौके का मुआयना किया गया एवं आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई। चोरों की तलाश जारी है। इधर चोरी की बढ़ती घटनाओं से शहर के लोग दहशत में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे ना पीछे दरवाजा टूटा हुआ है, तो आप लॉक टूटा हुआ है, तो ऊपर ना एक दीवार भी टूटी हुई है, तो आप एक बार चल के देखो, शायद हो सकता है कि यहाँ का चौकीदारी था, तो या तो आपकी शॉप में या रहीजा जी की शॉप में कोई चोरी हुई है। तो ये हमें पता लगा 5:15-5:30 बजे के करीब। तो जैसे ही भैया को पता लगा, भैया ने कॉल की, हम उसी टाइम भागे हुए यहीं पर आए दुकान पर। तो हमें जो फर्स्ट डाउट था वो तो हमें था कि रहीजा जी की ही शॉप में हुई है। तो भैया ने जैसे हमारी हमने शटर ओपन किया, जैसे ही ओपन करते हैं और सामने देखते हैं कि हमें कोई भी माला नजर नहीं आती है। सारी माला जो भी हमारी, हम कह सकते हैं कि हमने जो हमारी सेविंग लगा लो, जो हमारी माला है, हमारी लेबर है, वो हमारी सारी की सारी। तो नोटों की माला कहाँ रखी हुई थी? नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पे हमने बैक साइड पे हमने कील के ऊपर हैंग कर रखी थी। ओके। तो उसके अलावा वो तो हमने नीचे सैंपल थे, उसके अलावा हमारी माला सेंटर में भी थी फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां पर भी जो हमारी माला थी वो भी हमारी, कोई हमें माला यहाँ पर जब भी हम ऊपर आए हैं जैसे ही हमें कोई माला नजर नहीं है। कितने अमाउंट की मालाएं थी वो? मैम मैक्सिमम आप, अभी हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि सीजन का टाइम चल रहा था। जैसे ही हमें मिलता है मौका, कभी 2000-1500 जैसे जैसे हमें टाइमिंग मिलते हैं, हम वैसे रेडी करके अपने स्टॉक में रख रहे थे। अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, अभी देखते हैं हम कैलकुलेट करके हमारा कैसा अमाउंट। पुलिस रिपोर्ट करवा दी आपने? यस सर, पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है। कुछ सामान निकाल लिया, पड़ोसी जाग गए, उन्होंने मतलब कि बताया हमें, तो वो भाग गए सामान छोड़ के। ये काम तो बहुत गलत हो रहा है इस इलाके में। जैसे पुलिस चौकी साथ है, हमारा प्रशासन कोई ख्याल ही नहीं कर रहा इस चीज़ का भी। हम इनका थोड़ा सा भी ये चीज़ होनी चाहिए, थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए हर चौक पे, हर मतलब की तरफ कहीं ना कहीं पुलिस का जो पहरा है रात का बढ़ाना चाहिए। की दुकान है ये हमारे यहाँ रहीजा जी हैं, रहीजा जनरल स्टोर वाले। तो एक्चुअली क्या है, उनकी बैग लगती है इधर से नीचे। जो यहाँ के मालिक हैं संजय जी ने बताया कि वो रात को ताला लगा के गए हैं, लेकिन ताला लगाने के बाद लगभग 1 बजे करीब चोर आते हैं, वो ताला तोड़ के ऊपर आ जाते हैं। इतने में 1:30 बजे चौकीदार आता है, चौकीदार आके उसमें देखता है कि ताला खुला कैसे हुआ है, वो अपना ताला लगा देता है वहाँ पे। वो चोर ऊपर ही थे उस वक्त, उन्होंने देखा नीचे, उनको उन्होंने फोन किया होगा, आवाज आई, उन्होंने अपने साथी कोई बार भी छोड़ा होगा शायद, तो उस साथी ने आके दोबारा से फिर वहां से नीचे देखा कि ताला लगा हुआ है, उसने इन्फॉर्म किया, उसने उसकी कुंडी ही निकाल दी ताले की। इतने में इन्होंने रहीजा जी के यहाँ से चोरी करने के बाद ऊपर से ही एक और मेरी शॉप के नाम से सीता जी है, उनके वहां से ऊपर का दरवाजा खोल के कैसे अंदर एंटर करके उन्होंने वहां से भी सामान उठाया और दो दुकानों से चोरी हुई है और काफी नुकसान बताया जा रहा है। बाकी वो ये घटना लगभग 1:30-2 बजे के आसपास की बता रहे हैं लोग। तो चौकीदार को कोई बनक नहीं लगी? चौकीदार 1 बजे के आसपास जब आया, वो उसने देखा खुला हुआ, उसने ताला लगाया, लेकिन उसके बाद वो सुबह जब 5 बजे आया, 5 बजे उसने फिर देखा कि मैं ताला लगा गया था, वो फिर उखड़ा हुआ है। फिर उसने दोबारा, फिर दुकानदार हैं जो उनको इन्फॉर्म किया कि ये लगाने के बाद दोबारा 5 बजे जब राउंड पे दोबारा आया, पहले 1:30 बजे आया होगा, उसके बाद 5 बजे फिर आया, तो उन्होंने देखा फिर दोबारा टूटा हुआ, तो फिर उसने इन्फॉर्म किया और पता लगा। क्या क्या सामान लेके गए? सामान तो वैसे वही इनका जनरल स्टोर का काम था। नोटों के हार कह रहे हैं कुछ? नोटों के हार वगैरह बता रहे हैं, कैश ही लगे थे, कैश हार लगे थे, रुपये लगे थे बस। पुलिस आ गई थी टाइम पे? पुलिस आई सुबह? पुलिस तो सवेरे आई है, अग्गी साहब भी आए थे, देर साहब भी आए थे, सारे अपना सारा करके पुलिस से। तो क्या कहना चाहोगे, इस तरह की वारदात हो जाती है? इस तरह की वारदात बिल्कुल यहाँ के मतलब इसमें होना बहुत गलत है बात है, तो हम प्रशासन से यही करेंगे कि यहाँ पे रात को जो है एक PCR लगाई जाए कि आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो। करनाल मेन चौक पे कौन सी जगह है ये? ये मेन बाजार रामनगर करनाल, चार खंबा चौक। चार खंबा चौक।
हाँ, रात को पता लगा कि भाई जो चार खंबे चौक पर है ना, एक दुकान के पीछे से पार लगा करके जो छेदमारी करके और उसमें से चोरी करने की नीयत से उसमें पार लगाया है, जो उसमें क्या नाम है, अभी तक तो दरखास्त देनी है, स्पेशल टीम बुला लिया, स्पेशल टीम जैसे भी उसके क्लू नोट करके बताएंगे और दरखास्त देंगे, जो जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके और आगे की तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। किस चीज़ की दुकानें हैं जी? कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, जो माला डालते हैं ना शादी शुदियों में, उनकी उनके वो थे, वो जो पैसे थे जिसमें छेदमारी किया उसमें पैसे नुके नु रखे हुए मिले माला समेत, और अभी कोई पैसे का आकलन नहीं किया, अब क्या चोरी हुआ क्या नहीं, दुकानदार अभी आए नहीं है, ना ही कंप्लेंट दी है अभी तक। कितनी दुकानें हैं? दो दुकानें हैं साथ साथ की, एक बता रहे हैं कि ऊपर से चढ़ा है बंदा, लेकिन वहाँ से अभी संध्याजनक है कि भाई दुकान मालिक ने कहा कि ऊपर का दरवाज़ा खुला रहेगा, एक ने कहा मेरा DVR ख़राब हो गया जो कैमरे का है, और दूसरे कहने लगा कि भाई हमने कैमरे बंद करके जब चले गए। कौन सी जगह पड़ती है ये? कैचार खंबा चौक रामनगर में जी। तो प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है आपको जो आपने देखा अभी? अभी प्रथम स्थिति ऐसी लग रही है कि भाई वो चोरी करने की नीयत से बढ़े हैं, या तो हमारी पुलिस की गश्त आ गई या चौकीदार ने चौकीदार आ गया, इसकी वजह से ये चोरी अभी पूरी स्थिति नहीं जान पाए हैं कि भाई चोरी क्या हुआ है, उसके जहाँ से उन्होंने छेदमारी करी वहाँ को आदमी ना तो अंदर जा सकता ना बाहर निकल सकता। आगामी कार्रवाई क्या की जा रही है? आगामी कार्रवाई जो भी दुकानदार भाई जो भी कंप्लेंट देंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई अमल में लाई जाओगी। ठीक है, क्या नाम? ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।